हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स कवर किए हुए थे, जिस टॉपिक का नाम था अंतर श्रावी ग्रंथि और बाईस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड। हमने उस चैप्टर में जो है वो कवर किए हुए थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है जंतुओं का पोषण, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है वो सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। वो खास करके बिहार पुलिस या फिर अदर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, और इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इस वजह से आप लोग अपने अपने नोट्स बना लें एक, और उसके अंतर्गत साइंस का खास करके जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बेहतर ढंग से आप लोग नोट्स बना के याद करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? तो ग्लूकोज जो एक प्रकार का है वो है आपका कौन सा? हेक्सो शकरा। यहाँ पे पेंटो शकरा नहीं होगा, हेक्सो शकरा है। थोड़ा कहानी को समझ लेते हैं ढंग से। ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शकरा है। यह जल में घुलनशील होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद प्राप्त करता है, और पौधों के संश्लेषण में भी यह अंतिम उत्पाद के रूप में ही ये होते हैं ग्लूकोज। पहले तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? वसा उत्तक। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? वसा उत्तक में होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे विटामिन बी जो है वो पैराडॉक्सिन, यह बिल्कुल सही है। विटामिन सी जो है वो एक्सोबिक एसिड, बिल्कुल सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों जो हैं वह रासायनिक नाम है विटामिन के, यह बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन ए की अगर बात करें तो सूर्य का प्रकाश ये नहीं होता, विटामिन डी से होता है, और यहाँ पे यही आंसर गलती है। जो आंसर आपका यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ये आंसर सही होगा। विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल नाम है, ध्यान रखेंगे। और सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, और हमारे शरीर के जो हड्डियाँ कमज़ोर होती है उसको मजबूती प्रदान करने में यह सहयोगी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? आपसे पहला ऑप्शन मक्खन, दूसरा ऑप्शन जैतून का तेल, तीसरा ऑप्शन कैनोल, और चौथा ऑप्शन सरसों का तेल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा जैतून का तेल। अगले क्वेश्चन विटामिन 12 में कोबाल्ट का उपस्थिति का परीक्षण जो की जाती है वो की जाती है बोरॉक्स बीज परीक्षण के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चाय एवं कॉफी के ज्यादातर सेवन में इनमें से किसकी कमी हो जाती है? अगर आप ज्यादातर चाय और कॉफी का सेवन करेंगे तो इससे आपकी शरीर के अंदर किस चीज की कमी होगी? तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, चाय में कैफीन होता है, ध्यान रखिएगा। दांतों और हड्डियों के ताकत एवं कठोरता किससे प्राप्त होती है? तो दांतों को हड्डियों के ताकत और कठोरता कैल्शियम से प्राप्त होती है। दांतों में हड्डियों के ताकत कठोरता कैल्शियम से प्राप्त होती है, और या दांत जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नर एनाफिलीज मच्छर किस में अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये फूलों के मधु से प्राप्त करते हैं। नर एनाफिलीज मच्छर फूलों के मधु से एकत्र एवं, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर अगर बात किया जाए तो यह मानव के खून से या अपना भोजन को प्राप्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं,
से पीड़ित व्यक्ति को बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है, पानी जो पीता है वो किस चीज़ की कमी के लिए, तो या ग्लूकोज की कमी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एस्कर्बी किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह आपके विटामिन सी की कमी से होती है। इनमें से कौन सा दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे, सोयाबीन और मूंगफली जो हैं वह प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो ध्यान रखेंगे बी और सी जो हैं वह आपको जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी जो भी ए डी ई और के या विटामिन जो हैं वह आपके वसा में घुलनशील है। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि रासायनिक नाम दे चुका है, तो टोकोफेरॉल नियोसिन, नियोसिन बी का नाम है, बी सेवन का नाम, इसलिए यह तो ऑप्शन नहीं हो सकता। कैल्सिफेरॉल डी का नाम हुआ, कैरोटीन और टोकोफेरॉल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैसे यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई की हैं, जबकि पानी में बी और सी हैं। वसा में घुलनशील डी जिसका नाम कैल्सिफेरॉल है, विटामिन ए जिसका नाम कैरोटीन है, टोकोफेरॉल का नाम ई है, और ये सारे आपके रासायनिक कुछ विटामिन के रासायनिक नेम हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विटामिन बी 11 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन बी टू का नाम, तो विटामिन बी टू का जो नाम है वह राइबोफ्लेविन है या जल में घुलनशील विटामिन है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है, आपको उस विटामिन का नाम बताना है जिसे पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है वह आपके पशु खाद्य का मतलब आप जानते होंगे, इस पशु खाद्य में आपको इसमें विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। कौन से विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं, तो विटामिन के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत इनमें से क्या है, ताज़ी सब्जियों में विटामिन ई है, और अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जनन क्षमता कम हो जाती है, और विटामिन ई से रिलेटेड अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। भोजन में नमक का क्या मतलब है, तो भोजन में नमक का मतलब है भोजन के पाचन के लिए ज़रूरी जो HCl के उत्पादन में सहायता करता है। आपके शरीर के अंतर्गत NaCl जो नमक है वह आपके शरीर में HCl जो आपके शरीर को पचाने के काम करते हैं उसमें यह सहायक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया, रक्त अल्पता नामक रोग हो जाती है, विटामिन B12 की कमी से, यह बीमारी विटामिन 12 की कमी से हो जाती है, और यह बीमारी रक्त में ऑक्सीजन की कमी कर देती है और शरीर में थकान और कमजोर उत्पन्न हो जाता है। नाइट्रोजनीकृत भोजन है, ध्यान रखिएगा प्रोटीन दाल जो होगी वो वाले टॉपिक आपके नाइट्रोजनीकृत से रिलेटेड होंगे, तो प्रोटीन दाल में प्रोटीन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस विटामिन की अपनी सक्रियता के पाइरूवेट आवश्यकता होती है, तो विटामिन B12। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 जल में घुलनशील विटामिन है या एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे सक्रिय होने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 पौधों में नहीं पाई जाती है या पशुओं के यकृत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी में आसानी से नष्ट किया जा सकता है, यह है एस्कॉर्बिक एसिड है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। फाइबर जो रेशे आहार है इनमें से कौन सा है, सेलुलोज है, इसीलिए जानवर जो हैं वो पॉज करके खाना खाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग जो
विटामिन डी की कमी से होती है या शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है या हड्डियों को करती है जिससे सूखा रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से किस विटामिन के कमी से बच्चों के हाथ पैरों में हड्डियां मुड़ जाती है, तो यह आपके विटामिन डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, या आपके वसा होंगे। सब्जियों को छिलने के कौन सा, अगर आप आलू को अगर उसको छिल देते हो तो कौन से विटामिन इनमें से समाप्त हो जाती है, तो आपके विटामिन सी की कमी हो जाती है, इसलिए सब्जियों को छिलकर सब्जी नहीं बनाना चाहिए। विटामिन और छिलकर ही उसे बिना छिले ही उसे धो लेना चाहिए। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी बेरी नामक बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है। वह विटामिन जो शरीर में आसानी से निर्मित होता है वह कौन सा है। विटामिन डी जो हम आसानी पूर्वक सूर्य के प्रकाश से त्वचा में क्रिएट कर लेते हैं। विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। इनमें से किसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, तो आंवला जो है इसमें विटामिन सी पाई जाती है जिसका रासायनिक नाम रिबेस ग्रोसलरिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश से मानव को क्या मिलता है, विटामिन डी प्राप्ति होता है। गाजर में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए होती है। निम्न में से कौन सी विटामिन है इसमें से, तो इसमें से राइबोफ्लेविन है जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। प्रोटीन को क्या माना जाता है, तो निर्माण खंडन माना जाता है। मानव शरीर में निर्माण खंड के रूप में देखा जाता है तो वह आपको प्रोटीन ही होता है और यह उत्कों को मरम्मत करने में सहायता करती है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट करता है। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कर्वी बीमारी है या आपके त्वचा की बीमारी है और यह रक्त अल्पता के कारण होती है। एंजाइम एक प्रकार की क्या है, या आपके प्रोटीन एक प्रकार के हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से पूरे छिले वाले दालें एवं अनाज ज्यादा पोषक तत्व देती है। ध्यान रखिएगा कौन सी पर शकरा सर्वाधिक मीठी होती है, तो ये आपको फ्रक्टोज है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है भाई साहब, पौधे हैं। नेक्स्ट, जिसकी कमी से दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है, लोहा और विटामिन सी की कमी से। इनमें से कौन सी शकरा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है, वो आपको ग्लूकोज करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। वनस्पति तेल को ठोस वसा घी में बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विटामिन बी के नियासीन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा होता हो जाता है। कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, विटामिन डी की कमी से डी पाई जाती है। हरी सब्जियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ई पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे तो ई हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। कच्चा गोभी अगर बात किया जाए तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ए का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, हरी सब्जियों में ए होती है, ई में गेहूं के ना, जो हाँ सही है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये आप कर लेना, ठीक है। एक का ए हो जाएगा, दो का आपका थ्री हो जाएगा, तो इस तरह से आप मिलान कर लेना। तो विटामिन से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखा, बाकी क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट ही हो रही, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको इतना ही विटामिन से रिलेटेड करवा रहा हूँ। देखने के बाद आपको हम शायद ही लगता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है विटामिन से रिलेटेड छूट सकता है,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले पार्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, विटामिन नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा वो हम बता देंगे, और वो आपके साइंस से ही रिलेटेड जो हैं वो टॉपिक्स होंगे।